नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। और जैसा कि एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नई शुरुआत, तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ग्रोसरी फिलिंग से। जो जो सामान किचन में ख़त्म हो गया है, बस उन सबको मैं डाल रही हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए कुछ काम का हो सकता है। आज मैं अपने वीडियो में एक प्रीमिक्स स्नैक्स का ब्रेकफास्ट, या कभी भी आप बनाएं उसको, उसके लिए प्रीमिक्स बनाना शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में, और अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर कोई न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं अपना प्रीमिक्स बनाने के लिए। यहाँ मैंने सभी दालें और सब भर दिया है, मेरा सामान जो भी ख़त्म हो रहा था डब्बों में। और इस प्रीमिक्स में मैंने ड्राई करी पत्ते का इस्तेमाल करा है। तो ड्राई करी पत्ता बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोई भी भारी पेंदे के बर्तन में अपने करी पत्ते को डालकर और उनको 2-5 मिनट रोस्ट करिए और उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो जब सूखेंगे वो जैसे जैसे, तो अपने आप ही ड्राई हो जाएंगे। और अगर वह एक बार में नहीं हो पाते हैं तो आप एक बार उसको दोबारा भी कर सकते हैं, तो आपके करी पत्ते अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और आप इस तरीके से ड्राई करके करी पत्ता स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि अगर हमारा 5-10 मिनट भी सेव होता है ना, तो हम महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, या वर्किंग भी हैं तो भी बहुत मायने रखता है। तो उसी पर्पज़ से मैं ये प्रीमिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही सॉरी। तो उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पेन लिया है। आप भी नॉन स्टिक पेन लें या फिर कोई भारी बर्तन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसके लिए नॉन स्टिक पेन का इस्तेमाल करें। तो उसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो भी ऑयल आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिए। और उसमें 4 ही टी स्पून मैंने राई डाली है। तो जब राई चटकने लगेगी उसके बाद सबसे पहले हम इसमें चना दाल डालेंगे, ये 1 हाथ भर के। जैसे चना दाल लिया मैंने, इसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था क्योंकि धो सकते नहीं थे, धोने से इसमें डालना नहीं है, गीला अपने को इसमें कुछ भी नहीं डालना है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से टावल से पोंछ के और रखा हुआ था। तो 1 फुल हैंड अपने चना दाल डाली और 1.5 फुल हैंड मैंने ये करी पत्ता, वही ड्राई करी पत्ता डाला है। और करी पत्ता को अपने को ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि वो ऑलरेडी सूखा ही है। उसके बाद ये मैंने 1 केजी के आसपास, 1 केजी ही रवा डाला है और इसको मैं सेक रही हूँ। और इसको जब तक सेके, करीब 10 से 15 मिनट सेकना तो ज़रूरी ही है। और अगर कोई थोड़ा बहुत भी पिंक शेड में या लाइट ब्राउन शेड में उपमा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ज़्यादा भी सेक सकते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना देर ही सेकना है, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट आप उसको ज़रूर सेकें जिससे कि उसमें एक सुगंध आने लगेगी, तब तक आपको उसको सेकना है। मेरा क्या, मेरा ना ये पैन थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने फिर उसके लिए बड़ा पैन चढ़ाया, क्योंकि वो छोटे पैन में अच्छे से चला भी नहीं पा रही थी मैं और गिर भी रहा था बार बार। तो मैंने यहाँ अपना पैन शिफ्ट कराया तो अब अच्छे से इसमें सीख जाएगा। इस तरीके से आप इस तरीके का अगर बना के रखते हैं तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। अगर बाहर रखते हैं तो ठंड का जैसे टाइम है तो 10-12 दिन आप आराम से इसको रख सकते हैं, और फ्रिज में तो आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। जितने भी टाइम में हम ये मैदा रवा ऐसे नॉर्मल भी रखते ही हैं, उस हिसाब से आप इसको फ्रिज में तो काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। और आप अगर इस तरीके से बना के फ्रिज में रख देंगे तो आपके बच्चे जो कि अभी शुरू में ही कुकिंग करना सीख रहे हैं, शुरू शुरू में अभी उनका टाइम है, और उनको जैसे मैगी बना लेते हैं, मैगी बच्चों को बनाना सिखाना नहीं पड़ता, तो इस तरीके का अगर आप प्रीमिक्स बना के रखेंगे तो आप अपने बच्चों को भी ईजी कर देंगे, वो भी आराम से इससे आप अपना उपमा बना के, क्योंकि थोड़ा सा वैरायटी मिल जाएगा उनको, खा सकते हैं। बस मैंने इसमें 3 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि नमक फिर जब हम इसको दोबारा उपमा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस समय जब वेजिटेबल वगैरह बॉईल करेंगे उस समय भी इसमें नमक डालेंगे, इसलिए मैंने रवे के अकॉर्डिंग 3 टीस्पून नमक डाला है। और बाकी नमक सबका टेस्ट अनुसार ही रहता है। फिर उसके बाद इसको हम ठंडा होने देंगे, जब ये एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अभी इसको हम भर के नहीं रखेंगे, जब एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उस समय ही हम इसको भर के
अगर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में, और अगर बाहर रखना है तो बाहर। मैंने आधा फ्रिज में रखा है और आधा बाहर भी रखा है। जब उपमा बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये मैंने वो मिल्क बास्केट से वेजिटेबल मंगाई थी, तो जैसा कि अब धूप का समय थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, धूप अच्छी लगती है, तो उसी हिसाब से बस बालकनी में बैठ के मैं सब्जी वब्जी साफ़ करूँगी। और बस आज के वीडियो में इतना ही शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।